समस्तीपुर पिछले दिनों लगातार हुई बारिश ने धान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। खेत में तैयार फसल के बर्बाद होने से किसानों के अंदर मायूसी छा गई है। सिर्फ धान ही नहीं, खेत में जलभराव के कारण गेहूं, आलू और तिलहन की बुआई भी नहीं हो सकेगी, जिसका डर अब किसानों को सताने लगा है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से धान की फसल खेत में बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी होने के कारण बची खुची फसल भी काटने को मजदूर तैयार नहीं, धान की फसल खेतों में सड़ने लगी है। किसान बैंक और साहूकार से कर्ज लेकर खेती करते हैं। खेत में तैयार फसल बर्बाद होने से किसानों के साथ भुखमरी की समस्या आ गई है। अब उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो फसल क्षति के नाम पर मुआवजा दिए जाते हैं, उनसे उसका नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जिले में लगभग 90,000 हेक्टेयर में लगी हुई गेहूं की फसल का 33% बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है। डीएम शशांक सुभंगर का बताना है कि फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है, जिसके बाद पोर्टल पर किसान अपने बर्बाद हुई फसल का ब्यौरा डालेंगे। ब्यूरो के सत्यापन के बाद उनके फसल क्षति की भरपाई की जाएगी। काफी क्षति हुई है तो उसको लेकर के क्या कुछ नहीं, उसमें लगातार आकलन किया गया है और जिले में लगभग 90,000 एकड़ से हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र है जहां पर 33% से ज़्यादा फसलों की क्षति हुई है और उसका आकलन करके बिहार सरकार ने अब उसको संधारित कर लिया है और जल्द ही उसका पोर्टल खुलेगा जिसमें ऑनलाइन एंट्री जो भी किसान हैं जिनकी क्षति हुई वो करेंगे और उसके बाद उनके खेतों पर जा करके आकलन किया जाएगा और उस आकलन के आधार पर उनको क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।